हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक समोल और आज मेरे पास से इंटेक्स का क्या मॉडल में है आपको थोड़ा दिखा दे रहा हूं। देखिए, पहले देखिए इसमें लगा है पैटर्न लग, ठीक है। तो कैसे इसको हम हार्ड रिसेट करेंगे आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे इसको हार्ड रिसेट करना है। तो मॉडल की बात करते हैं, मॉडल क्या है। इंटेक्स अक्वा स्ट्रॉन्ग 5.1 प्लस, ठीक है। इंटेक्स अक्वा स्ट्रॉन्ग 5.1 प्लस, इसको कैसे हार्ड रिसेट करना है। तो पहले जो सीम वगैरह है सब निकाल लीजिए। ओके, सीम दोनों मेमोरी जो है सब निकाल लीजिए। उसके बाद फिर से बैटरी लगाएंगे इसमें और पीछे का कवर लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम प्लस और पावर की को प्रेस करना है। पहले वॉल्यूम प्लस, उसके बाद पावर की। जब सेट ऑन हो जाए तो आपको पावर की को छोड़ देना है, लेकिन वॉल्यूम प्लस को नहीं छोड़ना है, ठीक है, पकड़ के रखना है। देखिए आ गया नो कमांड, ऐसे लोगो पे आपका आ जाएगा। तो अभी इसको कैसे कमांड देना है, देखिए पावर की को प्रेस करके आपको वॉल्यूम प्लस को प्रेस करना है। पहले पावर की, उसके बाद वॉल्यूम प्लस। देखिए मैं कर रहा हूँ, पहले पावर की को, उसके बाद वॉल्यूम प्लस आ गया। अभी इसके आपका अभी जब ऐसे आपका रिकवरी मोड में आ जाए तो आपको वॉल्यूम माइनस से नीचे चलना है, वॉल्यूम माइनस। तो चलिए नीचे, देखिए यहाँ पर वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। उसके बाद फिर से आपको प्रेस करना है पावर की को एक बार, ठीक है। उससे वॉल्यूम माइनस से आना है नीचे, एस, उसके बाद फिर से पावर की। अभी चल रहा है, आ गया रिबूट सिस्टम ना। उसके बाद फिर से पावर की को प्रेस करना है एक बार। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि रीसेट हुआ है अभी। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पर सेटअप कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं स्किप का ऑप्शन आ गया क्योंकि मैं इसमें मेल आईडी पासवर्ड नहीं दिया था, ठीक है। अगर आप दिए होंगे तो अपना मेल आईडी पासवर्ड यहाँ पर दे दीजिएगा, नहीं तो आपको FRE मांगेगा और आपको याद नहीं है तो आप मेरे वीडियो नेक्स्ट वीडियो देखिए, मैं उसमें कैसे FRE रिसेट करते हैं उस वीडियो में मैं बताया हूँ, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली आपका पैटर्न हट चुका है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।